बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सेकेंडरी कमिश्नरशिप्स का चैप्टर नंबर 1 पढ़ाने जा रही हूँ। सो इसमें फर्स्ट पैराग्राफ में एक क्वेश्चन ये बन रहा है कि हाउ मिस्टर चिप्स मेड हिज टाइम व्हेन ही वाज लिविंग एट मिसेस विकेट हाउस। सो इसका ये है, व्हेन ही वाज लिविंग एट मिसेस विकेट हाउस मिस्टर चिप्स यूज टू मेड हिज टाइम by the signals of the past just like some old sea captain and he used to live his life according to the bells of Brookfield। aur ek liha hai ki where was Mrs. Wicket house, so Mrs. Wicket house was just across the road from the school ya in the front of Brookfield। phir hai ki how was Mr. Chip's voice, his voice was jerky high pitched voice that had still a good deal of sprightliness in it। phir second paragraph mein ke what did Mr. Chips used to do in his old age, so in his old age Mr. Chips liked to sit by the fire, drink a cup of tea and listen to the school bells and also he used to read a detective novel। फिर है what did Mr. Chips do before going to bed, so ये है कि he always used to wound up the clock after the last bell, put the wire guard in the front of fire, turned out the gas, carried a detective novel to the bed। फिर ये third paragraph में सबसे important question है कि who was Merriwell, Merriwell was the doctor of Mr. Chips and what did he used to say about Mr. Chips, so ye hai ki you are my dear fellow you are fitter than I am and he also used to say that you are the past the age when people got this horrible diseases, you are one of the few lucky ones who are going to die a really natural death, that is of course if you die at all, you are such a remarkable old boy that one never knows। आगे है कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि वट इज़ एनोडोमिनी, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल है तो आजकल कॉन्सेप्चुअल आ रहे हैं पेपर्स, तो एनोडोमिनी उस लिहाज से कॉन्सेप्चुअल के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि वट इज़ एनोडोमिनी, तो इसका आंसर बुक के ही एंड पे जो दी हुई है वर्ड्स मीनिंग दिए हुए हैं वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये बुक के एंड पे ये दी हुई है, उन्होंने वर्ड मीनिंग्स दिए हुए, तो ये है एनोडोमिनी, तो इसका मतलब है एडवांसिंग एज। ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से इम्पोर्टेंट, एमसीक्यूज़ में आ सकता है, कॉन्सेप्चुअल है, सो एडवांसिंग एज या ओल्ड एज। फिर आ सकता है कि राइट अबाउट अर्ली लाइफ ऑफ मिस्टर चिप्स, सो ही वॉज बोर्न इन 1848 एंड ही वॉज कॉल्ड मिस्टर चिप्स आउट ऑफ लव and he was taken to the great exhibition as a toddling child, he joined Mulberry school but he left because he was dragged there and then he joined Brookfield। phir hai ke describe the day of the preliminary interview of Mr. Chips, so ye uska interview wale day ke bare mein description di hui hai ki it was sunny July with the air full of flowers and sand, the plick plock of cricket on the pitch, Brookfield was playing against Burnhurst school। next hai next page pe dekhen to मिस्टर वेदरबी के बारे में है कि हु वाज वेदरबी एंड व्हाट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी वाज मिस्टर वेदरबी, मिस्टर वेदरबी वाज द प्रिंसिपल ऑफ ब्रुकफील्ड एंड ही वाज वेरी फादरली एंड कर्टियस पर्सनैलिटी, ही हैड वेरी फादरली एंड कर्टियस पर्सनैलिटी, या फिर ही वाज वेरी फादरली एंड कर्टियस पर्सनैलिटी। एंड फिर एक और क्वेश्चन ये बहुत सारा इम्पोर्टेंट है कि व्हाट वर द एडवाइसेस which was given by the Weatherby to Mr. Chips, या फिर how did Mr. Weatherby advise Mr. Chips, तो उसने क्या एडवाइसेस दी थी, so ये है you are a young man Mr. Chipping and Brookfield is an old foundation, youth and age often combine well। तो क्या मिस्टर वेदरबी ने क्या एडवाइस दी थी मिस्टर चिप्स को, तो ये है गिव योर एंथुसिएज्म टू ब्रुकफील्ड एंड ब्रुकफील्ड विल गिव यू समथिंग इन रिटर्न एंड डोंट लेट एनीवन प्ले ट्रिक्स विद यू।
और एक और ये एडवाइस दी थी कि टेक अप अ फ्रेम एटीट्यूड फ्रॉम द बिगनिंग, दैट्स द सीक्रेट ऑफ इट। सो इस पैराग्राफ में जो है ये एक क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ डिड मिस्टर चिप्स फेल हिज फर्स्ट क्लास एट ब्रुकफील्ड, या फिर डिस्क्राइब द चिप्स फर्स्ट डे एक्सपीरियंस एट ब्रुकफील्ड। तो इन शॉर्ट जो आप लिखेंगे वो ये लिखेंगे तो काफ़ी बड़ा है, मिस्टर चिप्स टुक हिज फर्स्ट क्लास ऑफ प्रेप ऑफ 500 स्टूडेंट्स इन द क्लास एंड दे वाज टिकिंग बिहाइंड एंड दे वर टिकिंग बिहाइंड हिम TICKING टिकिंग बिहाइंड हिम, देर वॉज अ स्मेल ऑफ इंक एंड वार्निश, सॉरी द टॉल क्लॉक टिकिंग बिहाइंड हिम एंड द स्मेल ऑफ इंक्स एंड वार्निश एंड द लास्ट ब्लड रेड रेल्स स्लैंटिंग इन द स्लैब्स थ्रू द स्टेन ग्लास विंडोज एंड सडनली समवन ड्रॉप्ड आर एंड सडनली समवन ड्रॉप्ड आर डस्ट लिट देन मिस्टर चिप्स पनिश्ड हिम, मिस्टर चिप्स फाउंड आउट द बॉय एंड पनिश्ड हिम। फिर इस पेज पे देखें तो क्वेश्चन आता है कि हु आर स्कूल ए एंड व्हाट डिड मिस्टर चिप्स यूज टू से अबाउट स्कूल ए। सो स्कूल ए वाज मिस्टर चिप्स स्टूडेंट, सो एंड ही वाज पनिश्ड बाय मिस्टर चिप्स, और इसका जो मिस्टर चिप्स यूज टू से अबाउट स्कूल ए, सो कूले को उन्होंने एक इस तरह से भी यहाँ से लेके यहाँ तक एक इस तरह से भी वो उसके बारे में कहा करते थे। और दूसरा जो कूले का फादर था यानी कूले का ग्रैंड सन था उसको कहा करते थे कूले के बारे में, यानी कूले जो है वो एक ज़ात है जिस तरह हमारे यहाँ होती है जो आगे नस्लों में नाम के साथ लगती है, इस तरह से कूले तीन कूले हैं और फर्स्ट कूले जो है उसने जो लिड जो होता है ड्रेस का जो लिड है वो ड्रॉप किया था यानी गिरा दिया था। तो सेकंड कूले के बारे में ये है कि कूले योर फादर वाज द फर्स्ट बॉय, ये फादर के बारे में फादर को कहा गया या सन को कहा गया है, और जो ये कहा गया ये कूले के ग्रैंड सन को कहा गया है। ये मुमन आता तो नहीं है कि वट मिस्टर चिप्स यूज टू से अबाउट कूले अमूमन, लेकिन ये वैसे आ भी सकता है कॉन्सेप्चुअल के कॉन्सेप्ट के लिहाज से। हाँ लेकिन इम्पोर्टेंट जो है कूले के बारे में वो ये है कि हु वाज कूले एंड वाई ही वाज पनिश्ड बाय मिस्टर चिप्स। तो इसका ये है कि कूले वाज द स्टूडेंट ऑफ मिस्टर चिप्स एंड ही वाज द फर्स्ट बॉय हु वाज पनिश्ड बाय चिप्स बिकॉज ही हैज ड्रॉप्ड द लिड ऑफ डेस्क While Chips was taking his first class, Chips punished him to write 100 lines and he became an alderman of London. ये information दी गई है कि he became an alderman of London. So ये important questions, तमाम important points हैं chapter number 1 Mr. Chips के, आप इनको note कर लें और points बना लें। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।